तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई एक न्यू स्टेट से रिलेटेड बैड न्यूज़ के बारे में, मे भी शायद अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है। और भाई साथ में बात करने वाले डेव लेटर के बारे में, नए अपडेट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें प्रोवाइड कराने वाला हूं। और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं जो भाई काफ़ी टाइम पहले आई थी, जो कि रिलेटेड करती है आज की वाली बैड न्यूज़ के। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो यार, मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि भाई देखो 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई सब्सक्राइब करने में 4-5 सेकंड लगते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से इस चैनल को भाई काफी सपोर्ट मिलेगा और मुझे भी भाई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जैसे जैसे भाई चैनल ग्रो होता है वैसे वैसे भाई और भी तकड़ा कंटेंट प्रोवाइड कराने की मैं तुम्हें कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि देखो यार यहां पे तुम्हें क्वालिटी कंटेंट, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तुम्हें काफी सारी चीजें जानने को मिलती है रिलेटेड गेमिंग। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी भाई ये गेमर छुपा हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैड न्यूज़ के बारे में। तो बैड न्यूज़ ये है फिलहाल के लिए कि अभी न्यू स्टेट के अंदर कोई डेव लेटर हमें देखने को नहीं मिला है, और साथ में ही हमें भाई अपडेट के बारे में भी कुछ नहीं पता है। ये वाला अपडेट जो था मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि यार ये धीरे धीरे चीज़ें शुरू करेंगे, एकदम से तो करने वाले नहीं है, वो तुमको मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था अपडेट से पहले, और वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट थी। आज की जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो भाई काफ़ी टाइम पुरानी है, लेकिन अब वो भाई धीरे धीरे करेक्ट होती हुई दिख रही है। मे भी शायद गुड न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन भाई बैड न्यूज़ ये है कि अगर ये चीज़ सिर्फ एक ही गेम के अंदर हो रही है तो तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ है। तो हम बात करने भाई एक नए मैप के बारे में जो कि भाई आया है गेम फोर पीस के अंदर। और बैड न्यूज इसलिए है कि अगर ये गेम फोर पीस के अंदर आया तो तुम लोग इसको भाई खेल नहीं सकते हो। गेम फोर पीस जो है वो चाइनीज वर्जन है, उसको खेलने के लिए तुम्हें वी चैट चाहिए, और वैसे भी यार उस गेम को एक्सेस करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है सबके लिए। अगर वो गेम भाई ग्लोबली अवेलेबल होता तो शायद तुम्हें इतना ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन भाई गेम फोर पीस के अंदर पबजी पीसी का एक नया मैप आया जिसका नाम है भाई रोनाल्डो, पता नहीं कैसे नाम है भाई, तो ये उसका नाम है। और भाई गेम फॉर पीस के अंदर अभी वो फिलहाल के लिए टेस्ट वर्जन के अंदर है। तो अगर उस मैप की बात करें तो वो मैप भाई डिटो कॉपी है भाई पबजी के रोंडो मैप का। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आनी थी न्यू स्टेट में, क्योंकि न्यू स्टेट की प्लानिंग थी, तुमको पता था जब इनका भाई शोकेस वगैरह हुआ था उसके अंदर इन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला था कि फिलहाल के लिए हम अभी के लिए फिलहाल के लिए जो न्यू स्टेट के ओरिजिनल मैप है ट्रॉय वगैरह वही लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में न्यू स्टेट के अंदर जो है पीसी वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन भाई न्यू स्टेट का प्लान पीसी वाला वो हमें देखने को मिल रहा है गेम फॉर पीस के अंदर, क्योंकि गेम फॉर पीस का तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। बात तो सही है कि हम भाई पबजी पीसी के मैप अपने गेम के अंदर लेके आने वाले हैं। और यहाँ पे सिर्फ पबजी पीसी का रोंडो मैप ही नहीं है, इसके अलावा भी पहले भी भाई जैसे न्यू स्टेट के अंदर एक जेटा मोड आया था वो भी भाई गेम फोर पीस के अंदर आ गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर क्राफ्टन और भाई टेंसेंट मिलके काम कर रहे तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन भाई मेन चीज़ ये है कि वो न्यू स्टेट के अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो गेम फोर पीस है ना, गेम फोर पीस का कोई भी कोलैब नहीं है भाई क्राफ्टन के साथ, क्योंकि गेम फोर पीस की अगर बात करो तो जब गेम फोर पीस चलता है तो वहाँ पे भाई कोई कोलैबोरेशन, कोई लोडिंग स्क्रीन में तुम्हें भाई क्राफ्टन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर भाई गेम फॉर पीस के अंदर ये चीजें आ रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्राफ्टन भी इस चीज में इन्वॉल्व है कि हाँ भाई तुम ये सारी चीजें कर लो, या मे भी ऐसा हो सकता है कि क्राफ्टन जो फ्यूचर का न्यू स्टेट का डेवलपमेंट है मे भी शायद टेंसेंट तक भी ले जा सकता है। इसके पीछे भी काफी टाइम पहले मैंने बात करी थी, काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सियां भी इसके ऊपर हुई थी। तो देखो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोई भी कंपनी देखो ओपनली तो बताएगी नहीं कि हम भाई ये सारी चीजें कर रहे हैं। रही बात भाई पबजी मोबाइल, अगर ये मैप भाई पबजी मोबाइल के अंदर आया होता तो इतना ज्यादा तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पबजी मोबाइल के अंदर ऑलरेडी यार पबजी पीसी के काफ़ी सारे मैप है, पुराने स्टैंडर्ड मैप है। लेकिन अब वाले जो नए मैप हैं वो भाई पबजी मोबाइल के अंदर नहीं आते हैं, और अगर पबजी मोबाइल के अंदर ये रोंडो मैप आया होता तो भाई कोई इशू भी नहीं था, क्योंकि पबजी मोबाइल के साथ जो है क्राफ्टन का अपना भाई कोलैबोरेशन वगैरह है और लोडिंग स्क्रीन पे भी तुम्हें क्राफ्टन देखने को मिलता है। लेकिन गेम फॉर पीस के अंदर ये चीज़ आ रही है तो भाई काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, और मे भी शायद गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि भाई जो भी जितना भी न्यू स्टेट से रिलेटेड काम है वो मे भी शायद उन्हीं के थ्रू हो रहा है। कुछ कह नहीं सकते यार, देखो इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं है। समझ रहे हो आप क्योंकि जेटा मोड था वो भी भाई गेम फॉर पीस के अंदर आ गया। अब पबजी पीसी के जो मैप के प्लान थे वो भी भाई गेम फॉर पीस के अंदर आ रहे हैं। लेकिन भाई अब बात कर लेते हैं डेव लेटर के बारे में। तो देखो कन्फर्म था कि डेव लेटर जो है वो आना था पैच नोट के साथ, लेकिन वो भाई नहीं आया। मुझे लग रहा है कि उन्होंने फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया है। पोस्टपोन का रीज़न हो सकता है कि अभी जो वो चीज़ें करना चाह रहे हैं वो रेडी नहीं है, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि डेव लेटर के अंदर वही सब आने वाला है कि हमारी क्या प्लानिंग्स वगैरह हैं, और थोड़े मोटे अपडेट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनका जो भी भाई बड़ा अपडेट आएगा उससे पहले तुम्हें ये काफ़ी सारी चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे न्यू स्टेट वाले। तो मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हें भाई कम से कम मान के चलो 4-5 या 6 महीने तो भाई न्यू स्टेट का मुझे लग रहा है ऐसी हाल रहने वाला है, क्योंकि देखो अगर इन्होंने इस गेम को बंद करना होता तो ये इस गेम को यार बहुत पहले ही बंद कर देते।
अब रही बात एक इन्फॉर्मेशन की जो भाई काफी पुरानी थी, तो आज से भाई कुछ टाइम पहले यानी कि मार्च के आसपास मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी रिगार्डिंग कि भाई न्यू स्टेट के अंदर एक पीसी वाला मैप आ रहा है, और उस मैप के ऊपर जो नाम लिया था वो भी भाई रोंडो वगैरह का ही नाम था जो ये इनका पीसी वाला मैप है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो तुम्हें थंबनेल दिख रहा होगा वो उस टाइम मैंने बना लिया था कि भाई ठीक है इसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। लेकिन भाई मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज तब हुआ जब मैंने देखा कि वो उस टाइम की इन्फॉर्मेशन जो है वो आज सच हुई, लेकिन वो भी सच हुई कौन सी गेम पे, गेम फॉर पीस के अंदर। तो भाई देखो कहीं ना कहीं तो तुम देखो कि अगर गेम फॉर पीस वाले ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई क्राफ्टन का भी पीछे से सपोर्ट है कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल में रियल चीज़ें हैं उसके लिए ही भाई न्यू स्टेट बनाए। क्योंकि देखो पबजी मोबाइल का एक अलग सीन है, पबजी मोबाइल को मैं पबजी पीसी का मोबाइल वर्जन इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि यार उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई जो भी वेट कर रहा है भाई डेव लेटर का और जो भी भाई वेट कर रहा है नए अपडेट का, तो कई सोर्स तो ये बोल रहे हैं, मैं उनको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी उनकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है गलत हुई है। उनका कहना ये है कि अगला जो अपडेट आने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा अपडेट आने वाला है, और जो तुम्हें जो डेव लेटर वाला जो देखने को मिलेगा वो भी भाई तुम्हें अगले महीने ही देखने को मिलेगा। अब देखते हैं भाई इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई टेंसेंट वालों ने वो जो नया मैप है रोंडो करके उसको भाई अपने गेम फॉर पीस के अंदर शायद टेस्ट कर रहे हो, वहाँ अगर वो कामयाब हो जाता है वहाँ सारी चीज़ें हो जाती है तो मे बी शायद वो न्यू स्टेट के अंदर भी आ सकता है। क्योंकि देखो न्यू स्टेट का मेन टारगेट ही वही है कि हमें जो है पीसी वाली आइटम्स जो है न्यू स्टेट के अंदर लेके आनी है, क्योंकि देखो न्यू स्टेट जो है वो ही ओरिजिनल वर्जन है भाई पबजी पीसी का। होप्स हो यार ये चीज़ें बहुत जल्दी हो, मुझे तो लग रहा है कि अभी तुम्हें 5-6 महीने तो यार मैं लेके चल रहा हूँ कि अभी इतना और टाइम लगेगा। अदरवाइज यार इनको अगर गेम बंद करनी होती तो ये बहुत पहले ही कर देते बंद, और क्योंकि देखो इनके जो प्लानिंग्स वगैरह उसके ऊपर मैं बहुत पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। उसी का एक पार्ट था कि ये भाई पीसी वाले मैप आ रहे हैं लेकिन वो अब गेम फॉर पीस के अंदर चला गया है। तो थोड़े दुख की बात यह है कि गेम फॉर पीस हम ग्लोबली नहीं खेल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये मैप आएगा मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा और तुमको बताऊंगा कि भाई कितना कुछ ये सिमिलर वगैरह है, क्योंकि इसके अंदर जो गाड़ियां वगैरह हैं ड्रॉप वगैरह है वो सारे यार सिमिलर ही हैं, पूरा सेम ही मैप है, और चाइनीज़ लोग भाई इसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं जो भाई गेम फॉर पीस का बीटा वगैरह खेल रहे हैं। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।